मेरा नाम विश्वजीत मजुमदार, मैं वेस्ट बंगाल कृष्णनगर से आ रहा हूँ। ये हड़प्पा में जो इतना सुंदर सजाया जा रहा है म्यूरल से, ये इसमें टेराकोटा म्यूरल हम लोग बना रहा हूँ। ये टेराकोटा म्यूरल मिट्टी से बन रहा है, मिट्टी में बनाने के बाद वो पकाया जाता है, उसके बाद इसका इधर आके इधर लाते हैं, पूरा पीसेस पीस करके इधर हम लोग लाते हैं। इधर पॉलीमर मोटर से सेटिंग होता है, सेटिंग करने के बाद हम लोग इसके ऊपर फिनिशिंग करके उसके ऊपर लास्ट कलर डालते हैं। एक्चुअली ये टेराकोटा जो है मिट्टी से बन रहा है, ये इको फ्रेंडली है और इसमें काम करने का तरीका भी बहुत सुंदर सी है। ये सबसे एथनिक स्टाइल है मिट्टी से, ये बहुत पुरानी एक स्टाइल है, जैसे मीडियम है टेराकोटा। तो मैं जानना चाहूंगी जो आप लोग बना रहे हैं पेंटिंग्स, ये म्यूरल पेंटिंग्स क्या चीज डिपिक्ट कर रहे हैं? हम लोग इधर डिपिक्ट कर रहे हैं पूरा रामायण के ऊपर, पूरा रामायण के आधारित ये हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। अभी जो ये मुरल हो रहा है, ये तमसा नदी के किनारे श्री राम जी और माता जानकी सोए हुए रेस्ट, रात में रेस्ट करते हुए लक्ष्मण और ये केवट के साथ पास में बैठे हुए और दोनों आराम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी इस पूरे पत्ते आप कितनी जगह पे बैठे? एक्चुअली इधर टोटल 180 मुरल बनने वाला है, जिनमें से हम 100 पीस बनाएंगे। 180 में हम 100 पीस मुरल बनाएंगे, सारी अलग अलग रामायण के ऊपर कहानी, अलग अलग टेराकोटा ही क्यों चुना गया? टेराकोटा चुना गया ये है, टेराकोटा एक सबसे पुरानी मीडियम आप दुनिया में पहली जो स्कल्पचर को कुछ भी बने, जैसे हड़प्पा महेंद्र भी मिले हैं, सब मिट्टी का ही बने और उसको पकाया गया है, इसीलिए हम लोग मिट्टी से नीचे से निकल पा रहे हो। तो मिट्टी वाली, मिट्टी का जो चीज है, ये हम लोग नेचर से लेते हैं, नेचर को ही हम लोग दे रहा है, इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज भी नहीं है। और ये जो मुरल बन रहा है कम्प्लीटली हैंडमेड, कम्प्लीटली हैंडमेड, इसमें कोई मशीनरी यूज नहीं होगा। सर ये कितने समय तक इसी तरह से रहेगा, किस चीज़? मेरा एक्सपीरियंस जो है लगभग 25 ईयर्स के ऊपर, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें लगा दिया। 25 साल पहले जो जहाँ जहाँ काम किया है वही काम वैसे ही शोभा दे रहे, कभी कुछ खराब नहीं। अभी तक कुछ कई जगह पे सारा इंडिया में बहुत जगह मैंने काम किया है जहाँ धूप बारिश इसके ऊपर आ रहे हैं, लेकिन खराब नहीं। सर ये कैसे भी खराब होता, किस तरह से सुरक्षित रहे? ये मिट्टी के बनाने के बाद पकाया जाता है, ईठा जैसी पकाया जाता है, तो
हम लोग जिस तरीका से पकाते हैं उसका एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो इतना हार्ड हो जाता है जो आपको आसानी से लगभग 100-200 साल आसानी से रह जाएगा। हम लोग जो मुरल बनाने के बाद हम लोग इधर पका के लाए इधर ये सेटिंग कर रहा हूँ। ये एक एक का मुरल का साइज है 20 फीट बाय 10 फीट, मतलब ये जो 20 फीट बाय 10 फीट मुरल्स है ये एक ही बार एक ही टाइप पे बनाया जाता है। तो ये बनाने के बाद ये हम लोग टुकड़ा कर देते हैं, पीस पीस काट के ये फर्नेस में पकाया जाता है। तो इधर जो सेटिंग हो रहा है ये सेटिंग में आप देखेंगे ये छोटा छोटा पीस कैसे असेंबलिंग होता है एज पर सीक्वेंस ये असेंबल कर हम लोग करते हैं, इसके बाद ये इसके ऊपर फिनिशिंग होगा। सर ये जो बाहर निकली ये जितना जितना इतना बड़ा एरिया बड़ा मुरल है इसका जो रिलीफ है उभरा हुआ है ये लगभग 6 इंच कहीं पे 4 इंच कहीं पे 8 इंच तक है। तो जितना रिलीफ होगा उतना ही अच्छा लगेगा उतना ही मजा आएगा। तो ये रिलीफ जो है रिलीफ के हिसाब से इतनी जगह इतना बड़ा है धर्मपत इतना खुले जगह है इसमें जितना रिलीफ होगा उतना ही अच्छा लगेगा।